गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो आज फिर से रिवीजन करते हैं, रिवीजन फॉर सेकंड टाइम। सो इन साइंस चैप्टर वन लेट अस ट्राई टू नो द कीवर्ड्स। देखो कीवर्ड्स को लर्न करो, रटो इसको, ठीक है। कीवर्ड्स में डिफाइन में आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है ना, कि वन वर्ड आंसर भी हो सकता है, इसलिए ये सब को लर्न करना बहुत ही जरूरी है। सो कीवर्ड ऑफ चैप्टर वन, व्हाट इज बोन मैरो? व्हाट इज बोन मैरो? द सेल्स एंड सॉफ्ट मटेरियल इन द होलो स्पेस ऑफ द लॉन्ग बोन इज कॉल्ड बोन मैरो। सेल्स एंड सॉफ्ट मटेरियल इन द होलो स्पेस ऑफ द लॉन्ग बोन्स, लॉन्ग बोन्स का अंदर होलो है यानी खाली जगह, उसमें जो सेल्स और सॉफ्ट मटेरियल भरा हुआ उसको कहते हैं बोन मैरो। और बोन मैरो में क्या होता है ना, ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो। ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो, ब्लड वहां बनता है, बोन मैरो में ब्लड बनता है। जिसका ज्यादा बोन मेरो जितना ज्यादा अच्छा होगा उसमें ज्यादा ब्लड निकलेगा, बनेगा। नेक्स्ट इज कार्टिलेज। देखो कार्टिलेज क्या है, ए टॉप स्मूथ इलास्टिक स्ट्रक्चर दैट कुशन्स बोन्स एट देयर जॉइंट्स, है ना। दैट कार्टिलेज क्या है, ए टॉप स्मूथ इलास्टिक स्ट्रक्चर दैट कुशन्स बोन्स एट देयर जॉइंट, है ना। जॉइंट्स में कार्टिलेज के जरिए क्या हमारा बोन्स एक साथ रहता है, ठीक है ना, और उसको फ्रिक्शन घर्षण होने में रोकता है, तो ये हमारे बोन्स को बचाता है, जो स्मूथनेस रहता है बोन्स। अगर हमारा राफ हो जाएगा तो हड्डी दर्द होगा। सो कार्टिलेज इज वेरी वेरी यूजफुल, है ना, इन आवर बोन जॉइंट्स। द एक्सहलेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आउट एयर फ्रॉम द लंग्स इज कॉल्ड एक्सहलेशन, है ना। इनहेलेशन मतलब द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन, और एक्सहलेशन मतलब प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आउट, है ना, ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स। और लंग्स से हवा निकलने का क्रिया को कहते हैं एक्सहलेशन और ब्रीद आउट, ठीक है। इनहेलेशन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर इन टू द लंग्स, है ना, और ब्रीदिंग इन इज ऑल्सो कॉल्ड इनहेलेशन, है ना। हवा लेना इनहेलेशन और हवा को निकाल देना एक्सहेलेशन, है ना, एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन बोल सकते हैं, एक्सहेलेशन भी बोल सकते हो, इनहेलेशन, है ना, एक्सहेलेशन, उस तरह से। जॉइंट, व्हाट इज ए जॉइंट? ए जॉइंट इज ए प्लेस वेयर टू बोन्स मीट, है ना। जॉइंट कहाँ है, ऐसा जगह जहाँ दो बोन्स दो हड्डी मिल रहा है, जॉइंट हो रहा है। और लिगामेंट्स, ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रेची बैंड लाइक टिश्यू विच अटैचेस बोन्स टुगेदर एट द जॉइंट्स। और जॉइंट में दो बोन को जुड़ के कौन रखता है, रस्सी जैसा, एक बोन को दूसरे के साथ ना, लिगामेंट्स जोड़ के रखता है, ठीक है ना, रस्सी जैसा, है ना। दीज आर मसल्स, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेची बैंड, है ना, बैंड लाइक टिश्यूज और मसल्स विच अटैचेस बोन्स टुगेदर एट द जॉइंट्स, ठीक है। और जॉइंट्स का अंदर है कार्टिलेज और जॉइंट का बाहर है लिगामेंट, ठीक है, लिगामेंट जोड़ के रखता है दो बोन्स को। और प्यूपिल, इट इज द होल दैट अलाउज लाइट टू एंटर द आईज, इट इज द होल दैट अलाउज लाइट टू एंटर द आईज। पीपल के जरिए लाइट घुस रहा है आई लेंस में, लेंस रखा हुआ है। लेंस क्या करता है ना, लेंस पिक्चर बनाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो हम देख रहे हैं ना हमारा रेटिना में उसका पिक्चर बनता है। और अल्ट्रासोनिक्स, दीज आर साउंड्स, है ना, या साउंड वेव्स दैट ह्यूमंस कैन नॉट हियर, अल्ट्रासोनिक्स, ठीक है। अच्छा, लेकिन सर्टेन एनिमल्स कैन हियर लाइक बैट, है, देखो अल्ट्रासोनिक्स ये है ना, देखो दे डिटेक्ट देयर प्रे विद द हेल्प ऑफ हाई पिच साउंड्स नोन एज अल्ट्रासोनिक्स। कौन ना, दीज आर मैमल्स, है ना, और सेंस ऑर्गन्स लाइक डॉग्स हैव हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल, बर्ड्स हैव स्पेशल पावर टू हियर हाई पिच साउंड्स, ठीक है, तो वही हाई पिच साउंड्स, बैट्स कैन हियर द हाई पिच साउंड, ओके। और वर्टिब्रे, वर्टिब्रे आर सॉल्व स्मॉल बोन्स दैट जॉइन टुगेदर टू मेक बैकबोन। हमारा बैकबोन इज ए लॉन्ग बोन, है ना, जो रीढ़ का हड्डी है वो बहुत लंबा है, तो लेकिन छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा बोन से बना हुआ है, टुकड़ा टुकड़ा छोटा छोटा पीस जो सब बोन्स को क्या कहते हैं, वर्टिब्रे, VERTBRA, है। सो वर्टिब्रे आर जॉइंट टुगेदर बाय ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट से जुड़ा हुआ है और लंबा बैकबोन हमारा बनाता है, ठीक है। और हम फिल इन द ब्लैंक्स ये सब भेजते हैं। आज तुम्हारा यही होमवर्क है कि लर्न द कीवर्ड्स एंड लर्न क्वेश्चन ABC ऑफ चैप्टर 1।